बिसम रहीम हम थेरीज़ ऑफ़ टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट डिस्कस कर रहे हैं और उसमें एक्सपेक्टेशंस थेरी और सेगमेंटेड मार्केट थेरी हम पढ़ चुके अब हम नेक्स्ट थेरी की तरफ चलते हैं जो किसी हद तक इनका कॉम्बिनेशन है जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी प्रीमियम थेरी लिक्विडिटी प्रीमियम थेरी जो है वो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट या थेरी की स्टेटमेंट क्या है थेरी की स्टेटमेंट यह द इंटरेस्ट रेट ऑन अ लॉन्ग टर्म बॉन्ड इक्वल्स एवरेज ऑफ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स एक्सपेक्टेड ओवर द लाइफ ऑफ द लॉन्ग टर्म बॉन्ड प्लस अ लिक्विडिटी प्रीमियम और अ टर्म प्रीमियम अगर आप अपने जेन में एक्सपेक्टेशंस थेरी की स्टेटमेंट लाएं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी हाफ स्टेटमेंट एक्सपेक्टेशंस थेरी वाली ही है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फ्यूचर एक्सपेक्टेड शॉर्ट टर्म जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के फ्यूचर एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट्स हैं उनके एवरेज की इक्वल होता है लेकिन एडिशनली क्या है कि सिर्फ उसकी इक्वल नहीं होता प्लस उसमें एक लिक्विडिटी प्रीमियम भी होता है यानी कि लिक्विडिटी प्रीमियम भी उस एक्सपेक्टेड एवरेज इंटरेस्ट रेट के साथ एड हो जाता है और ये जो लिक्विडिटी प्रीमियम है ये कितना होगा यह भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं लिक्विडिटी प्रीमियम को भी ये कितना होगा ये डिपेंड करता है कि बॉन्ड की डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है उसकी बेस पे डिमांड सप्लाई की बेस पे लिक्विडिटी का प्रीमियम डिटरमिन होता है लेकिन जो बॉन्ड ज़्यादा लिक्विड हो यह हम पहले एक और लेक्चर में वैसे लिक्विडिटी इस थेरी को नहीं लेकिन लिक्विडिटी के इशू को हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई बॉन्ड उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा हो तो लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो इलिक्विड बॉन्ड है जो लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स रिलेटिवली शॉर्ट टर्म के मुकाबले में इलिक्विड होते हैं क्योंकि लोग उनमें कम इन्वेस्ट करते हैं तो जो इलिक्विड बॉन्ड है या जिसकी लिक्विडिटी कम है बॉन्ड की उसे लिक्विडिटी का प्रीमियम देना पड़ेगा अदरवाइज लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे ठीक हो गया अब अगर हम इसका फार्मूला बनाएं, चूंकि अब रिलेशनशिप बन गया है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट का तो सेगमेंटेड मार्केट थेरी में तो फार्मूला बन नहीं सकता था क्योंकि दोनों तरफ के इंटरेस्ट रेट्स में कोई रिलेशन नहीं था यहां एक्सपेक्टेशंस थेरी के तरह रिलेशनशिप हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं और यहां पे भी उसकी तरह हम बना रहे हैं कि आई टू टी अस्यूमिंग देर आर टू पॉसिबिलिटीज वन इज दैट देर इज लॉन्ग टर्म बार्ड अवेलेबल फॉर टू टाइम पीरियड्स मेच्योरिटी और दूसरी तरफ जो है वो ऑप्शन ये अवेलेबल है कि दो सालों में एक एक साल का बारी बारी इन्वेस्टमेंट की जाए तो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो आई टू टी है जिसको हम यहां पे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट कहेंगे वो दो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट आई टी और एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट फॉर पीरियड टी प्लस वन इन दोनों का एवरेज होता है इसमें ऐड हो गया यानी कि जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड है टू टाइम पीरियड वाला उसमें एक लिक्विडिटी प्रीमियम भी एड करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म वाले रिटर्न में लिक्विडिटी प्रीमियम एड करेंगे तो लॉन्ग टर्म का रिटर्न निकल आएगा तो ये एल टू क्या है लिए लिक्विडिटी प्रीमियम है और लिक्विडिटी प्रीमियम हमेशा पॉजिटिव होगा जाहिर है एक बांड है लिक्विड है लोग उसको कम खरीदना चाह रहे हैं ऊपर से वो कहे कि हम रिटर्न भी कम देंगे तो फिर तो उसमें कोई भी नहीं इन्वेस्ट करेगा ना तो लिक्विडिटी प्रीमियम हमेशा पॉजिटिव होगा l2 जो यहां पे लिखा हुआ है और जितना टर्म टू मैच्योरिटी इंक्रीज होती जाएगी जैसे यहां टर्म टू मैच्योरिटी 2 इयर्स है अगर ये एल थ्री टी होता यानी कि तीन साल की मेच्योरिटी हो जाती तो ये लिक्विडिटी प्रीमियम और ज्यादा हो जाता अगर ये बॉन्ड बीस साल की मेच्योरिटी का है तो लिक्विडिटी प्रीमियम और ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब है एक फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन से लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट डिटरमिन होता है दूसरा लिक्विडिटी प्रीमियम से इंटरेस्ट रेट डिटरमिन होता है इन दोनों से डिटरमिन होता है मिलके। ये लिक्विडिटी प्रीमियम का यही मतलब यहां पे होगा कि इन्वेस्टर्स की प्रेफरेंसेस जो हैं, वो तो किसी खास मेच्योरिटी के बॉन्ड के लिए और वो ज्यादातर रिस्क के वर्ष होने की वजह से यानी कि रिस्क इन्वेस्टर्स कम लेना चाहते हैं जाना चाहेंगे सिवाय इसके लॉन्ग टर्म एक एक एक्स्ट्रा प्रीमियम ऑफर कर दे कि हम आपको इतना रेट ज्यादा देंगे उसको हम कहेंगे लिक्विडिटी प्रीमियम तो वो उसके अंदर एड हो जाता है इसका मतलब यह है कि ये जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा था ना कि ये कॉम्बिनेशन थेरी है ये जो कॉम्बिनेशन थेरी है इससे मिलती जुलती यानी कि लिक्विडिटी प्रीमियम थेरी जो अभी हमने डिस्कस की इससे बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड एक और थेरी है प्रेफर्ड हैबिटेट थेरी कई लोग इसको सेम थेरी कहते हैं ये एल यानी कि लिक्विडिटी प्रीमियम थेरी और प्रेफर्ड हैबिटेट थेरी ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही हैं लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहें तो हम एडिशनली उसमें यह कह देते हैं कि इन्वेस्टर की स्ट्रांग प्रेफरेंसेज हैं एक खास मेच्योरिटी के लिए लेकिन अगर उनको कहीं और से हायर रिटर्न ऑफर हो तो वो इतनी भी स्ट्रांग नहीं है कि वो फिर भी इसी मेच्योरिटी का ही बाड परचेज करें वो दूसरे बाड की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं और चूंकि शॉर्ट टर्म बाड लोग ज्यादा पसंद करते हैं तो उसी में इन्वेस्ट करते हैं अनलेस कि लॉन्ग टर्म ज्यादा लिक्विडिटी प्रीमियम ऑफर करते तो ये जो प्रिफर्ड हैबिटेड थेरी या लिक्विडिटी प्रीमियम थेरी है इसका और एक्सपेक्टेशन का आपस में एक रिलेशनशिप रहेगा और वो रिलेशनशिप हमने इस डायग्राम में बनाया है कि इस डायग्राम के मुताबिक जो हॉरिजेंटल एक्सिस पे है वो ईयर्स टू मेच्योरिटी है और जो वर्टिकल एक्सिस पे है वो इंटरेस्ट रेट है इसका मतलब है जो कर्व बन रहा है ये यील्ड टू मेच्योरिटी है ये यील्ड कर्व है यील्ड टू मेच्योरिटी का कर्व यानी कि यील्ड कर्व है यहां पे हमने एक्सपेक्टेशन थेरी का फ्लैट बना दिया ये जरूरी नहीं है कि फ्लैट बनाएं आप इसको भी अपवर्ड स्लोपिंग बनाए लेकिन पॉइंट यह लिक्विडिटी प्रीमियम या प्रेफर्ड हैबिटेट है उसके मुताबिक यील्ड कर्व उससे ऊपर होगा और थोड़ा सा ज्यादा स्टीप होगा इसका मतलब है नीचे वाला कर्व भी आप पहले अपवर्ड स्लोपिंग बना दें ऊपर वाला अपवर्ड स्लोपिंग तो होगा ही लेकिन उससे ज्यादा स्टीप होगा नतीजा ये निकला कि वो जो तीनों किस्म के फैक्ट्स हैं वो ये लिक्विडिटी प्रीमियम थेरी या प्रेफर्ड हैबिटेड थेरी जो है ये उन तीनों फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर लेती है थैंक यू